सो यू व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो ऐसे आप लोग वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज हम लोग करने वाले पबजी बीटा का टेस्ट फिर से। गुड लक मेट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए चीज़ ऐड होते जा रहे हैं, इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ ऐड हुआ है, एक इरेंगल स्पॉन आइलैंड में आप देख सकते हैं। ये जो है, जहाँ आप मार्क लगाएंगे या आपका टीममेट मार्क लगाएगा उसको ये शो करेगा, और पूरा मैप को शो करेगा ये। और जो टैंकर्स है जो जॉर्जो पुल में रहते हैं उसको पूरा बदल दिया गया है। और बहुत कुछ है जो अभी गेम के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। और मैं थोड़ा इरेंगल का पूरा मैप का लेआउट ले लेना चाहता हूँ, मतलब आपको दिखा देना चाहता हूँ। टाइम तो बहुत कम है, लेकिन एक बिल्डिंग भी है और एक ये उड़ने वाला है। मैं उसके पास जा नहीं पाया क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और फिलहाल मैं इधर उतरा था ये शिप को देख के कि भाई ये शिप के अंदर कुछ मिल जाएगा, तो ये शिप के अंदर तो फिलहाल कुछ मिला नहीं है। तो भाई आप लोग ये शिप का लुक तो देख ही सकते हो। तो भाई हम लोग आ चुके जॉर्जो पुल, समझ लो भाई इरेंगल 3.0 है ये। बिल्कुल हर चीज़ चेंज हो चुका है, और चेंजेस लाने हैं, लेकिन 3.0 है, बिल्कुल भी 3.0 है। और ये चीज़ जो है वो आपको देखने मिलेगी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में भी। तो इधर आप लोग देख सकते हो न्यू स्कोप है, एक नहीं है, रेड डॉट है, उसके बाद होलो है, फिर 2x मेरे को मिला नहीं, ना 3x ना 4x मिला, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 4x भी है 3x भी है। और ये चीज़ एक और चीज़ मेरे को मिला, देखिए आप, मैं पता नहीं इससे क्या होता है, और मेरे को ये आगे में पता चला था कि इससे क्या होता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहना क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इससे क्या होता है। मैं इससे फ़ोटो क्लिक कर रहा था और फिर बैग में देख रहा था कि क्या मेरे फ़ोटो सेव हुए, तो ये नहीं हुए है। तो मैंने इधर इसको टेस्ट किया कि आखिर है क्या, मेरे को बंदा नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इससे देखते कि अगर बंदा नज़र आता है कि नहीं आता है, ऐसे ऐसे ही है ये टीममेट के लिए। तो मैंने ऐसे ही फ़ोटो क्लिक किया इधर, तो भाई मार्क हो गया बंदा। मीन्स अगर आप इसको खोलोगे और जब देखोगे तो इधर बंदा जो है मार्क हो जाता है, आपको टीम आपके टीममेट को पता चल जाएगा कि बंदा है कहाँ। और देखो भाई इधर मैंने इतना दूर से, इसमें एक ये भी मोड आता है 8x एंड 3x, जैसे 6x में रहते हैं ना वैसे ही है। आप 6x को 3x कर सकते हो, इसमें 8x को आप 3x कर सकते हो, लेकिन मैंने किया नहीं है। तो ये देख सकते हो कि भाई साहब बंदा मार्क हो जा रहा है। और ये जो स्कोप मेरे को मिला है ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, और स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। मैं इधर आया जॉर्जोपुर के साइड में, वो भी पूरा चेंज हो चुका था। एक डॉग, मीन्स ये जो डॉग है, मतलब क्या कहूँ भाई, ये इसको आप लोग हाथ दिखाते हो क्या, भी कुछ भी होता है भाई। तो ये आपका पीछा करने लगता है, इधर फॉलो एंड अनफॉलो दोनों आता है, और इसके मदद से मेरे को फ्लेयर मिला था। ये देखो अपने आप डायरेक्टली मार्क हो गया है कि भाई हाँ फ्लेयर है इधर। तो इधर सिंपली मैं चढ़ इधर नहीं पा रहा था, जो क्या पता क्या ग्लिच था, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मैं चढ़ पाया हूँ, तो ये ग्लिच है थोड़ा। और मैंने सोचा बहुत सारा आइडिया आया, लेकिन नहीं चढ़ पाया। और ये डॉग है वो जोन का डैमेज से मर सकता है, और ये डॉग मर भी जाता है। और क्या बताऊँ भाई, मैंने सोचा इसका ऊपर मैं चढ़ के ये कर लूँगा, लेकिन फिर ऐसा ग्लिच हुआ भाई, चढ़ भी नहीं पा रहे हो। और आप लोग ये देख सकते हो कि ये डॉग भी मर चुका है, और मेरे को फ्लेयर भी मिल चुका था। तो मैंने इधर जोन में आया और फ्लेयर चलाया, तो भाई एक फैक्ट्री नज़र आई है, वो ऐड की गई है। मैं इधर फ्लेयर चलाता हूँ और फिर जाता हूँ मैं फैक्ट्री के अंदर। भाई साहब ये फैक्ट्री मुझे कुछ देखी देखी सी तो लग ही रही थी, और पूरा अंदाज़ा था मेरे को कि ये कौन सी कंपनी की फैक्ट्री है और क्या बना रही है। तो इधर आप लोग को देख के लग ही रहा होगा कार, इसके अंदर आप लोग चढ़ नहीं सकते हो। इधर कुछ शील्ड दिया हुआ है कि पता नहीं। और भाई साहब पूरा अच्छा खासा गेम को लुक दे दिया है पबजी वाले लोग ने, क्योंकि इधर देख सकते हो आप बहुत कुछ चेंज हुआ है। इधर कार का पूरा फैक्ट्री, और जब मैं बाहर निकला और जब देखा तो भाई देख सकते हो इधर बड़ा बड़ा शब्द में टेस्ला कंपनी लिखा हुआ। मीन्स ये टेस्ला कंपनी कुछ कोलैब हुआ होगा इसके बाद ही किया होगा पबजी वाले लोग ने।
तो मैंने इधर एक बंदा को मारा और फिर ड्रॉप लूटा, और भाई मेरे को ये गन मिला, ये न्यू गन आई है, और ये पबजी मोबाइल इंडिया में आ सकती है क्योंकि, हाँ भाई बिल्कुल आ सकती है। ये गन की खासियत में बताओ तो भाई ये 990 स्पीड में चलती है, मीन्स इसका जो फायर रेट है वो 990 है, सबका 660 होता है या उससे हल्का ऊपर होता है, इसका 990 है, समझ रहे हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना स्पीड इसका फायर रेट है भाई, फायर भाई खतरनाक गन है भाई, खतरनाक। तो देखो मैंने होलो नहीं लगाया, रेड रेड डॉट मैंने लिया, देख सकते हो भाई 990 की ये स्पीड में है और ये 660 की स्पीड में, तो आप लोग बिल्कुल फ़र्क देख सकते हो क्या आया है इस भाई इसमें, कहीं सही में भाई गंदा फर्क है, बहुत ज़्यादा तेज़ इसका फायर रेट है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इधर 3x लगा के देखा रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए, तो मेरे पास उतना एमो नहीं था इसीलिए मैंने ज़्यादा चलाया नहीं, लेकिन हाँ आप रिकॉयल इसका कंट्रोल कर सकते हो आराम से, 990 में थोड़ा हार्ड होगा लेकिन 660 आराम से रिकॉयल कंट्रोल कर सकते हो, जिसको M4 का रिकॉयल नहीं है तो इसका आराम से रिकॉयल कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, सपोर्ट करो भाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।